यहाँ कुछ जोड़ी हाथों को आप काम करते हुए देख रहे हैं और यहाँ निर्माण हो रहा है गौ धूप बत्ती का। इसमें उपयोग किया है 1 किलो गीला गोबर या 1 किलो कंडे का पाउडर, साथ ही चावल 200 से 250 ग्राम का बारीक पाउडर, राल 50 ग्राम। राल एक गोंद का ही प्रकार है जो कि जलाने के लिए प्रयोग में आता है। 200 ग्राम गाय का घी और थोड़ा सा गुड़ भी इसमें घोलकर डाल सकते हैं जिससे ज्वलनशीलता और अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही इसमें 200 ग्राम लकड़ी का बारीक बुरादा भी डाला जा सकता है और मैदा लकड़ी का पाउडर 100 ग्राम या आवश्यकता अनुसार अधिक या कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और गुलाब की पत्तियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर इसमें डाला जा सकता है खुशबू के लिए। और ये जो सिरिंज है उनमें ने भर के और इस प्रकार से ये ऊपर का ऐसा काट दिया जाता है। हाँ, ये जो सिरिंज आप देख रहे हैं जो आगे वाला हिस्सा है वो काट दिया जाता है और इस प्रकार से इसमें बना दिया जाता है। जो आत्मनिर्भर भारत और गौवंश को बचाया कैसे जाए, उसकी आर्थिक उपयोगिता कैसे अधिक से अधिक की जाए, उस दृष्टि से यह प्रयोग अत्यधिक उपयोगी है। ये सब तो पाउडर से ही है, प्लस पानी की जगह गौमूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इतने मिक्स का अलग से कौन सकता है? नहीं, गोबर में सब मिलाना पड़ेगा, गोबर में मिलाना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रयोग इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बना हुआ एक और उत्पाद रखा है, ये है डिश वॉश, जो विम आदि अपन उपयोग करते हैं उसके स्थान पर गाय के गोबर से बना हुआ बर्तन साफ करने का ये पाउडर है जो कि सूखने के बाद उपयोग में लाया जा सकेगा। एकदम स्वदेशी उत्पाद है, घर पर ही बनाया जा सकता है कुछ ही सामग्रियों का उपयोग करके। ऐसे कुछ अन्य भी उत्पाद बनाए गए हैं जैसे गाय के गोबर से बनाया गया मंजन और ये इस प्रकार। ये धूप बत्ती जो है बेहद अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। जी, इस प्रकार से ये सिरिंज का उपयोग कर सकते हैं आराम से। ये आगे का हिस्सा सिरिंज का काट लेना है और ऊपर से इसमें भर सकते हैं। ये लो बता।